तो आज भी एज ऑलवेज मैं देर से उठा और मैं लेट हो रहा हूँ, तो अभी मैंने पैकिंग करनी है और फिर निकलते हैं। लेकिन ये तो आपने पूछा नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। सरगोधा चलोगे? कैसे प्लान बन गया आने का? आपको तो परमिशन नहीं मिल रही थी। बस मैंने कहा शहीद नाराज ना हो जाए इसलिए आ जाना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा पूछा नहीं बहुत सकता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं इर्द-गिर्द और सब मुझे ही कूदे। लेकिन मैं आपको हल्का सा सीन बता देता हूँ कि जब मेरे एग्जाम खत्म हुए थे मेरा प्लान तो था कि मैंने सरगोधा जाना है, लेकिन उसी वक्त मेरे कज़न के एग्जाम स्टार्ट हो गए तो अभी कल उसका लास्ट एग्जाम था, आज उसके एग्जाम खत्म हुए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना चलो उसको सरप्राइज किया जाए। और इन्हीं डेट्स में मेरे दोस्त अफान ने भी सरगोधा आना था तो हमने कहा क्यों ना साथ जाएं। अभी बीच में ये हुआ कि किसने कहा कि ये नहीं आ रहा, बीच में प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन मैंने कहा मैंने तो जाना ही जाना। तो वी आज सुबह इसने मुझे सरप्राइज किया, तो जब मैं टर्मिनल पहुँचा तो ये टर्मिनल पहुँचे हुए थे और अब हम साथ जा रहे हैं। मैंने अपना इंतज़ाम पहले से कर लिया था। यार ये इतना बड़ा चिप्स का पैकेट है और अंदर सिर्फ इतने से चिप्स हैं, ये तो ज़्यादती वाली बात है। एक टिप मैं दूंगा कि जब भी ट्रैवल करो ना तो इजी कपड़े पहन के करो। ये देखो बर्गर बच्चे पैंट पहन के आए हुए हैं। सरगोधा आते जाते लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बनी। अच्छा तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन यार मौसम चेक करो एक बार। अच्छा तो अंदर जाने से पहले मैं ये बता दूँ कि घर में कुछ लोगों को पता है कि मैं यहाँ आया हूँ लेकिन कुछ को नहीं पता, तो जिनको नहीं पता उनको हम एक बार सरप्राइज करें। के हाल है मुस्तफा? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम।